आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि इस इंडक्शन में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा था, जो कि इसका पूरा फंक्शन भी बताया था। बहुत उसमें कमेंट भी आया था कि भाई इसमें जो आपका दिया हुआ है, टाइमर दिया हुआ है, उसको कैसे टाइमर को सेट करते हैं, फिर कैसे टाइमर को ऑफ करते हैं, तो वही आज हम बात करने वाले हैं। एक सेपरेट वीडियो ला के पूरा आपको डिटेल में बताएंगे आपको कितना मिनट का टाइमर लगाएंगे, फिर कितने मिनट में आपका वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन में जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो जल्द से जल्द आपके यहाँ नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो कि सेलो कंपनी का, यहाँ पे पहले काफ़ी पहले इसका मैंने वीडियो बना रखा था, उसमें बस ये कमेंट आ रहा था कि भाई इसमें जो टाइमर है, टाइमर को कैसे सेट करते। तो आइए चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम पावर सप्लाई आपको ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे आपका टाइमर का फंक्शन दिया हुआ है। टाइमर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पावर इसमें ऑन करना है। यहाँ से ऑन ऑफ का ये जो आप बटन देख रहे हैं, इसको आपको बटन नहीं, जो कि टच सिस्टम आपका दिया हुआ है, एक बार इसे आप टच करिए। फिर यहाँ पे फंक्शन बटन जो है, फंक्शन को प्रेस करिए। आपको जितने वाट रखना है, जैसे अभी 2000 वाट है, आपको अगर यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं मुझे 1000 वाट पे करना है, या फिर 500 या फिर 200, आप जितने हज़ार वाट पे आप इसे करना चाहते हैं उस वाट पे कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि 10 मिनट का मुझे टाइमर रहे, या फिर आधे घंटा का रहे, या फिर 5 मिनट का ही रहे, तो टाइमर बटन को आपको एक बार यहाँ पे टच करना है। एक बार जैसे इसको टच करेंगे, टाइमर का यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको अगर 1 मिनट चाहिए, 2 मिनट चाहिए, 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा जल्दी करना है। यहाँ पे टाइमर दबा करके प्लस वाला दबाइएगा। यहाँ पे आप डिस्प्ले में अच्छे से देख पा रहे हो, आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, वैसे आप लगा सकते हैं यहाँ पे घंटे तक का आप यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको 20 मिनट का लगाना है तो यहाँ पे 20 मिनट हो गया है। फिर आपको एक बार टाइमर को टच कर देना है। आप टाइमर को जैसे टच कर देंगे, यहाँ पे जैसे 20 मिनट आपका 5 मिनट होगा तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पे डिस्प्ले पे शो करता रहेगा, अभी 200 वाट पे है। अभी देखिए यहाँ पे 20 मिनट आपका दिखा रहा है, यानी 20 मिनट आपका जैसे होगा। तो आइए चलिए आपको दिखाते हैं 1 मिनट, 1 मिनट का आपको टाइमर लगा के यहाँ पे दिखाते हैं। फिर अगर ऑफ करना होगा आपको, टाइमर को एक बार आप प्रेस कर दीजिएगा तो वो टाइमर आपका हट जाएगा। फिर आपको लगाना होगा टाइमर, एक बार टाइमर बटन को प्रेस करिए प्लस, यानी 1 मिनट का हम लगा रहे हैं यहाँ पे, फिर टाइमर को सेट कर देते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, वीडियो का हल्का सा आपको फास्ट कर देंगे ताकि आपको दिख सके। फ्रेंड यहाँ पे लगभग लगभग आपका 40 सेकंड से ऊपर हो चुका है, तो चलिए थोड़ा सा और हम वेट करते हैं। देखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे बीप की साउंड सुनाई देगी, फिर आपका यहाँ पे जो डिस्प्ले है तुरंत आपका ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि आपका ऑफ हो चुका है। 1 मिनट का टाइमर मैंने लगाया था, जो कि 1 मिनट बाद आपका ये ऑटोमेटिक ऑफ हो चुका है। जैसा कि आपने देखा, टाइमर लगाना काफ़ी ईजी, उसमें बहुत सारे आप लोगों को सेटिंग नहीं करना है। बस आपको टाइमर को सेट करके जितने मिनट का चाहिए प्लस और माइनस से आप उसको मिनट को चेंज कर सकते हैं। फिर एक बार आप टाइमर बटन को आप एक बार प्रेस कर देंगे तो आपका टाइमर सेट हो जाएगा। तो आपको देखा कि टाइमर लगाना बिल्कुल आसान है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि टाइमर कैसे लगाते हैं, फिर आपको ऑफ कैसे करते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी इस रिलेटेड कुछ आपको क्वेश्चन करना है तो मुझे आप कमेंट में आसानी से कर सकते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से जाकर मुझे आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।